हरे कृष्णा। हमारे एक मित्र हैं जो यूरोप में रहते हैं। कई वर्ष पहले की बात है, उन्होंने कुत्ता पाल रखा था और उस समय वो विभिन्न प्रकार के फिलॉसफी के बुक्स पढ़ते थे, तो उसमें से कई कुछ फिलॉसफर के नाम उनको पसंद आ गए और उसमें से एक उनको नाम पसंद आ गया और अपने कुत्ते का नाम उन्होंने कृष्णा रख दिया। उस समय उनको ज्ञान नहीं था कि कृष्ण भगवान हैं, जो कुछ भी है, तो घर पर उनको कृष्णा कृष्णा बुलाते थे। और एक दिन की बात है, वो कुत्ता अचानक गायब हो गया और रास्ते में चला गया। पत्नी ने पति को कहा, जाके ढूंढ के लाओ। तो गए और रास्ते में जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और जब इतने जोर से कृष्णा का नाम पुकारे, तब निकटवर्ती वहाँ पर कुछ भक्त लोग हरिनाम करते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उनको लगा ये बहुत बड़े भक्त होंगे। जाके बोला, अरे कृष्णा को ढूंढ रहे हो, आओ हमारे साथ। और सीधा मंदिर लेके गए और वहाँ उनको गीता से जोड़ दिया। निकले थे किसी और कृष्णा को ढूंढने, मिल गए असली कृष्ण। भगवान सर्वव्यापक हैं और अगर समय सही है तो चाहे हम न भी इच्छा करें तो भी भगवान की कृपा से भगवान हमें मिल जाते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, सर्वत पाणिपादं तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वत श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्त तिष्ठति। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, और यदि हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें और उनकी कृपा हो, तो हम इस जीवन काल में ही उनके साथ अपना सकारात्मक संबंध जोड़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।